अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। मेन्यू में क्या है आज, हमारे मेन्यू में क्या है आज, हमारे मेन्यू में है मैक्रोनी सालसा। मैक्रोनी सालसा बहुत ही मज़ेदार सा यम्मी सा बनता है, उसमें बहुत ही कम वक्त में बनता है, बहुत ही कम सामान में बन जाता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैकेट बॉयल लिए हमने मैक्रोनी, दो अदर दरमियाने साइज के हमने टमाटर लिए, इसको बारीक चॉप किया है, और दो अदर हमने प्याज लिए दरमियानी, इसको हमने बारीक चॉप किया हुआ है। तकरीबन एक बड़ा आलू लिया है हमने बड़ा, इसको हमने चॉप किया है। एक चम्मच हमने लिए चाट मसाला, एक चम्मच हमने लिया है काली मिर्चें, और एक प्याली हमने लिए मायनेज। नमक हम हसबे जायका डालेंगे, क्योंकि हमने बॉयल करते हुए भी नमक लिया था, तो अपने से भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने डाल देनी है प्याज, प्याज के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर, और जो हमने ये आलू लिया है ये हमने बॉयल आलू लिया है, ठीक है, ये डाल देंगे। इसके बाद हमने डाल देनी है काली मिर्च, और हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। अब हम इसमें डाल देंगे मायनीज, मायनीज डाल के हमने इसको बहुत अच्छे से कर लिया है मिक्स। ठीक है, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। लास्ट में हमने इसमें डाल देना है चाट मसाला, और इसको हम सर्व कर देंगे। आज का हमारे मैक्रोनी सालसा की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेन्यू पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए मेन्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।